जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है कि जेसीसी तरफ से दोस्तों झारखंड प्रारंभिक संयुक्त प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का वैकेंसी फिर से बहाल कर दिया गया। यानी कि दोस्तों पूरे 26,000 वैकेंसियाँ आप लोग के लिए आई हैं, ठीक है, जो कि दोस्तों हाईकोर्ट के आदेश पे रद्द कर दिया गया था, है ना। और फिर से हाईकोर्ट के आदेश से फिर से इस वैकेंसिया को भरा जाएगा, है ना। उसका डेट भी जारी कर दिया दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं ना। और इस वीडियो में बताने वाले दोस्तों आप लोग को कौन कौन लोग भर सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं भर सकते हैं ना, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, नहीं रहने वाला, इन सभी बिंदु पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये आज की सूचना नंबर हम लोग का 5 है ना। देखिए दिनांक 6/10/2023 को ये नोटिस जारी हुआ, यानी कि आज ही नोटिस जारी, ठीक है। तो आज की नोटिस में क्या कुछ लिखा है तो हम लोग पढ़ते हैं, चलिए। तो देखिए WPS नंबर 4049/2023 बहादुर महतो एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य अन्य में मान्य झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5/9/2023 को पारित अंतरिम न्यायाधीश के आलोक में आवश्यक सूचना सूचना नंबर 4 दिनांक 6/9/2023 द्वारा विज्ञापन संख्या 13/2023 की विभिन्न परीक्षा प्रक्रिया को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। जैसा दोस्तों WPS नंबर 4049/2023 बहादुर महतो अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 5/10/2023 को पारित अंतरिम न्यायाधीश के आलोक में विज्ञापन संख्या 13/2023 के प्रसंग में आवश्यक सूचना 4 दिनांक 6/9 द्वारा पूर्व में निर्गत स्थगन आदेश को वापस लेते हैं। वो उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथियों को नहीं संशोधित किया गया, ठीक है। तो दोस्तों इस नोटिस में ये लिखा गया है कि जो पूर्व में झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा आचार्य सहायक नियुक्ति के लिए जो मतलब कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था, उसको फिर से बहाल करने के लिए फिर से संशोधित आप लोग का डेट जारी कर दिया गया है जेसीसी की तरफ से, ठीक है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि आप लोग का है, देखिए 7/10/2023 से दिनांक 22/10/2023 की मध्य रात्रि तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो परीक्षा शुल्क आप लोग 24/10/2023 की मध्य रात्रि तक भर सकते हैं, है ना। और फोटो में हस्ताक्षर की बात करें तो 26/10 यानी 26 अक्टूबर 2023 की मध्य रात्रि तक आप लोग भर सकते हैं। समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन की तिथि, तो देखिए इसमें अगर आप लोग इरर होगा तो दोस्तों देख सकते हैं इसका एडिट करने का भी डेट दिया हुआ 28 अक्टूबर 2023 से। तो दोस्तों देख सकते हैं 28/10/2023 से 30/10/2023 की मध्य रात्रि का इसको आप लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आगे और क्या कुछ है दोस्तों, तो देखिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा 6/8/2023 से 5/9/2023 के तक आवेदन समर्पित किया जा चुका उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि दोस्तों जिन अभ्यर्थियों द्वारा 6/8/2023 से 5/9/2023 के बीच में आवेदन किया जा चुका है उन लोगों को फिर से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या WP नंबर 4049/2023 बहादुर महतो और ये अंतरिम है ना। तो दोस्तों यानी दोस्तों जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं उन लोग फिर से भरिए, ठीक है। आप लोग को डेट यहाँ पे दिया गया है ना। और इसमें आप लोग जो झारखंड में JTET परीक्षा क्वालिफाई किए हैं वही भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए और जितने भी जेसएससी में JTET पास होंगे उन लोगों को पास फॉरवर्ड कर दीजिए। और जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, झारखंड है, यहाँ पे एग्जाम रद्द होने के बाद भी आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर आप एग्जाम नहीं दिए हैं तो आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रद्द हो जाता है बार बार, है ना। झारखंड भारत का पहला ऐसा राज्य है ना। कोयला में तो झारखंड पहला राज्य ही है, लेकिन इस मामले में भी झारखंड सबसे बड़ा राज्य बन गया है।
और इसी तरह का आप लोग अपडेट पाने के लिए आप लोग जौहर एग्जाम सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करते, ताकि जब भी इसी तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा, है ना। और यहाँ पे रोज दोस्तों आप लोग बता देना चाह रहे हैं ये CCCGL हो गया, है ना, क्या हो गया, ये CCCGL हो गया, आप लोग का उत्पाद पुलिस हो गया, झारखंड म्यूनसिपल कारपोरेशन हो गया, आप लोग का झारखंड महिला परीक्षिका यानी कि लेडी सुपरवाइजर का हो गया, ये सब का दोस्तों आप लोग खोरठा का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो आप लोग सेट दीजिए और अपना स्कोर बढ़ाइए, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।